जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम होम काली महाकाली किल किले फट नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंबक धाम भूषाम उतुंग बिन गुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे देवी देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्योतिष में जब सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं या सूर्य के साथ में शनि बैठ जाता है या सूर्य के साथ राहु बैठ करके शनि दृष्टि डालता हो तो ऐसा कहा जाता है कि उसे ग्रहण योग है। तो ग्रहण योग का मतलब यह होता है कि पिता से दूर रहना। अब एक शब्द है इसमें पिताजी से दूर रहना, इसका मतलब यह होता है। इसके अर्थ चार पांच निकलते हैं ज्योतिष में। भगवान होगा कोई मनुष्य तो बिल्कुल एग्जैक्ट बोल देगा कि क्या होगा आपके जीवन में, परंतु जो सत्यता यह है कि यदि कोई पितृ दोष होता है, सूर्य शनि का दोष होता है, सूर्य के साथ राहु का दोष होता है, पितृ का श्राप रहता है, तो उस मनुष्य के जो पिता होते हैं, पिता से एक तो बिल्कुल नहीं पटती है, या मतलब यहां पे मैं सब जितने भी ऑप्शन बता रहा हूं उन सब में से या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी बीच बीच में या शब्द आएगा, यानी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इसके इतने अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ जो निकल के आता है वो ये आता है कि या तो उस बच्चे की अपने पिता से नहीं पटती है या पिताजी से दूर रहना पड़ता है या फिर एक ही घर के अंदर रहने के बावजूद भी पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से बातचीत नहीं होती है या फिर एक ही शहर में रहने के बावजूद भी माता पिता से नहीं पटने की वजह से वो दूर रहता, एक ही शहर में आसपास रहने के बावजूद भी उनकी बातचीत नहीं होती, घर आना जाना नहीं होता है या फिर कई बार पिता की ही मृत्यु हो जाती है या फिर कई बार वह बालक किसी दूसरों के घर में गोद लिया जाता है या फिर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ही पिताजी की सर्विस इस प्रकार की होती है कि वह अपने बेटे से ज्यादा दिन तक दूर रहना पड़ता है, यानी कहीं न कहीं पे अल्टीमेटली पिता पुत्र में सामंजस्य कह लीजिए या पिता पुत्र का एक साथ रहना उचित नहीं होता, इसलिए दोनों अलग अलग रहते हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। तो ज्योतिषाचार्य इसमें से कुछ भी लिख सकता है या एक सेंटेंस लिख सकता है केवल कि पिता पुत्र में दूरियां बनी रहेगी,
कोई कहता है कि साहब मेरी तो पिताजी से बहुत अच्छी पटती है, तो ये भी मान करके चले कि यदि पटती है पितृदोष होने के बावजूद भी, तो आगे जाकर के पिताजी की मृत्यु जल्दी होने की संभावना होती है। इसलिए कभी भी किसी भी ज्योतिषाचार्य के ऊपर उंगली मत उठाओ। हो सकता है उसको अनुभव नहीं होने की वजह से उसने क्लियर नहीं लिखा हो, परंतु वो इतना जरूर लिखेगा कि पिता पुत्र से दूर रहने की संभावना है, या पिता पुत्र में वेमनस रहने की संभावना है, या पिताजी से नहीं पटेगी। अब पिताजी मर गए तो पटने का काम ही खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आपको उस चीज का विश्लेषण करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।